श्योपुर में आज नगर पालिका अध्यक्ष को वार्ड 16 के पार्षद और वार्ड के जनता ने कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। वहीं वार्ड 16 के पार्षद ने वार्ड की जनता के साथ मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के नव वर्ष की शुभकामनाएं बधाई देते हुए माला पहनाकर सम्मानित किया और वार्ड की समस्याओं से भी अवगत कराया। साथ ही मांग की वार्ड एक मंदिर बना हुआ है, उसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए, वह जगह सुरक्षित हो। वहीं लोगों की मांग है कि जिन लोगों के नाम आवास में, उनके नाम आवास की सूची में जोड़ा जाए, उससे लोगों को आसानी से आवास मिल सके। ऐसी कई प्रकार की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि ये सारे काम जल्द ही शुरू करवा दिए जाएंगे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। समस्या इनकी ये जो लोग लेकर के आए हैं, क्या पूरा मामला है? ये वार्ड नंबर 16 के पार्षद हैं और पूरे निवासी हैं। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनमें मंदिर, एक ठाकुर बाबा का मंदिर है वहाँ, और एक इनका कब्रस्तान है, उनकी बाउंड्री के लिए और कुछ खंभे वहाँ लगने हैं, लाइट की व्यवस्था खंभे के लिए, सर्वे के लिए बोला है। एक पानी की टंकी की समस्या है, जो टंकी वो लीक हो रही है, और आवास की समस्या। इन सारी प्रमुख समस्याओं को लेकर आज पार्षद के साथ पूरे वार्डवासी आए और हमने जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष को ये ज्ञापन दिया और उनसे बात की है कि इनको प्राथमिकता से लिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इनको सबको प्राथमिकता से इनकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे, और अब हमने इनको समय दिया है, अगर समय पर काम नहीं करेंगे फिर हमारा जो भी होगा धरना देंगे, जो आंदोलन करेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी हमने इनको समय दिया है ताकि ये जो इनकी समस्या है ये सुलझ जाए। क्योंकि सबसे बड़ा वार्ड अगर शहर में तो वार्ड नंबर 16 है, और 16 नंबर वार्ड में कई जगह आवास में भी कई दिक्कतें आ रही हैं, पानी की भी और गंदगी है, कई जगह रोड बनने हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हमने अवगत करा दिया है अध्यक्ष को और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जल्दी पूरा करेंगे। और विधायक प्रतिनिधि श्राद्ध दाऊ जी और ब्लॉक अध्यक्ष ने यहाँ सब लोगों के साथ आए हैं। वहाँ समस्या ये आ रही है वार्ड के अंदर कि कब्रिस्तान के बाउंड्रियाँ होनी है, तो कब्रिस्तान के अंदर लोग कब्जा कर रहे हैं, कब्जे में नगर पालिका से भी आवाज़ दे जा रही है कब्रिस्तान की बाउंड्रियों के अंदर, तो नहीं देना चाहिए ऐसा हमने अध्यक्ष से मांग रखी है, उसमें ध्यान रखें। और जो मंदिर हैं उसके अंदर दो मंदिर तीन उनकी दीवारें बाउंड्री होनी है, वो बाउंड्री कराई जाए। पार्षद ने दोनों का ज्ञापन दिया है, मंदिर, कब्रिस्तान और पानी की समस्या, वहाँ तो पानी की समस्या मिटाई जाए ऐसा अध्यक्ष जी को दिया है। श्रीमत साहब वहाँ है, अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया जाए, जिसमें मांग रखी है पार्षद जी ने, और सब लोग बाट के वासी दोनों धर्म के लोग आए हैं। और ये जायज समस्या है, वो मंदिर के जानवर चल जाते हैं, कुत्ते बिल्ली ये बंद हो जाए, सुअर वगैरह भी चल जाती है वहाँ बात के लिए मंदिर में, और कब्रिस्तानों में एक चीज़ जानना चाहिए, एक चीज़ रुकना चाहिए, और बाउंड्री हो जाएगी छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं है मंदिरों की, 1-1 लाख रुपये की बाउंड्री है दो मंदिर वहाँ, और कब्रिस्तान की थोड़ा सा ज़्यादा है, ये बाउंड्री करा दें इधर से, और एक कब्जा हटवा दें लोगों से। नगर पालिका से ये आशा लेकर आए सभी लोग, किस प्रकार की समस्या लेकर के आज आपके पास आए? ये जो आज लोग आए हुए हैं वार्ड क्रमांक 16 से, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर की बाउंड्री, बाउंड्री और थोड़ा बहुत काम के लिए, जिसमें दो मंदिरों का काम है और एक कब्रिस्तान के लिए लाइट वगैरह ये सब चीजों का काम है। मैडम इनका निराकरण कब तक हो जाएगा? जी इनका निराकरण कब तक हो जाएगा? इन्होंने आज ज्ञापन दिया जी, बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे, नए साल में नए कामों की शुरुआत की जा रही है, तो जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी हम इन कामों को प्राथमिकता देके काम पूरा करवाएंगे।